अरे मोदी सर जी, एक छोटे से कमरे में आपने ये कोचिंग सेंटर खोल रखा है, फीस पूरी 500 रुपए महीना लेते हो और नीचे जमीन में बैठा के हमें पढ़ाते हो। कम से कम बेंच का तो इंतजाम कर दो। राहुल, तुम जमीन में बैठ के सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कुर्सी या बेंचों पे ऊपर बैठ के क्या पढ़ोगे तुम? बोझब जोड़ो राहुल, मैंने तुम्हें ABCD लिखने को कहा था, ABCD लिख ली तुमने पूरी? दिखाओ मुझे। अरे लिख तो ली मोदी सर जी, ये देखो ABCD लिख ली मैंने, ये देखो कॉपी पर। अरे ये 4 अक्षर लिखने को थोड़ी कहा मैंने सिर्फ ABCD, पूरे 26 अक्षर लिखो, ABCDEFG, समझे? पूरा लिखो। कोई बात नहीं है, EFG बढ़ा देता हूँ, उसके बाद थोड़ी कुछ बढ़ाना है। अरे भाई राहुल, उसके बाद भी बढ़ाना है HIJKLMNO। चलो मोदी जी, HIJKLMNO तक मैंने लिख लिया, इसके बाद तो कुछ नहीं लिखना है। राहुल, मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूँ, तुम्हें अभी तक पूरी ABCD याद नहीं हुई है, ऐसे ही करके हल्के हल्के पूरी ABCD मुझसे लिखवाना चाहते हो? अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, और अगर पूरी लिखी भी नहीं हुई तो तुम ही जानोगे। अरे आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया है? अरे मोदी सर जी, अखिलेश पढ़ने के लिए आया है, आपके पीछे बैठा हुआ है, देखो छुपकर, देखो पीछे बैठा हुआ है। अखिलेश, तुम हमेशा पीछे ही बैठते हो छुपकर, पता ही नहीं देते, कोई चीज भी याद करके नहीं लाते हो। छोटा बड़ा याद कर लिया तुमने? लेकिन मोदी जी, मैं छोटा बड़ा लिख रहा था, एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक छोटा आ है, एक बड़ा आ है, बीच का आ कहाँ गया? जैसे तीन भाई होते हैं, अगर एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है, एक बीच वाला भाई होता है, तो ये बीच वाला आ कहाँ पर है? लगता है अखिलेश, अगर मैं तुम लोगों को ऐसी पढ़ाता रहा तो ये कोचिंग सेंटर मुझे जल्दी बंद करना पड़ेगा, तुम उल्टा मुझे पढ़ा दोगे। अच्छा लालू जी, आप बताओ अपने देश में कितने जिले हैं? अरे मोदी सर जी, मैं बिल्कुल पढ़ने नहीं आऊंगा, आप मुझसे कठिन कठिन सवाल पूछते हैं, इन सब लोगों से सरल सरल पूछते हैं। अच्छा मोदी सर जी, आप ही बताओ, ये जो बैंडों में से पेड़ दिख रहा है, इस पर कितने पत्ते हैं? अरे लालू जी, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं? ये बताइए मोदी सर जी, जब किसी सवाल का उत्तर आप नहीं दे सकते तो हम आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दें? ये बताओ। ऐसा है मोदी जी, अपने इस कोचिंग सेंटर में अपने हिसाब से हमें पढ़ने दें, आप ज्यादा अपनी टांग ना अड़ाए, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई सब लोग कैसे बैठे पड़े हो, जल्दी से जल्दी ये तरबूज को खाओ, आज मैंने तरबूज पार्टी की है तुम सब लोगों के लिए, खाओ जल्दी तरबूज ये। और राहुल, ये तुम तरबूज का क्या कर रहे हो, तरबूज को खाली कैसे कर रहे हो? तरबूज का छिक्कल छोड़ के तुम लाल लाल भाग सारा निकाल रहे हो, क्या बात है? अरे मोदी जी, आपने हम सबके सामने ये तरबूज काट कर रख दिए, ये सब लोग कटा हुआ तरबूज खाने से मना कर रहे हैं। कटा हुआ तरबूज खाने से मना कर रहे हैं? अरे तो फिर क्या खाओगे, मुझे तो बताओ क्या दिक्कत है? अरे गर्मी का मौसम आ गया, मैंने सोचा ठंडा ठंडा तुम्हें तरबूज खिलाता हूँ, लेकिन तुम तरबूज खाने से क्यों मना कर रहे हो? अरे मोदी जी, तरबूज खाने को मना नहीं कर रहे हैं हम, ये जो राहुल तरबूज का अंदर वाला लाल लाल भाग निकाल रहा है, इसका जूस बनाएंगे, जूस पियेंगे तरबूज का। हमारे सामने ये तरबूज जो कटा हुआ रखा पड़ा है, इसे हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम जूस पियेंगे तरबूज का, कह देते हैं आपसे। अरे योगी जी, तो तरबूज का जूस मैं किसी दिन और पिला दूंगा, तुम ये कटा हुआ तरबूज खाओ। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा योगी जी, मैं तो ये जो कटा हुआ सामने तरबूज रखा है लाल लाल, इसी को खा जाता हूँ, बहुत बढ़िया तरबूज है मोदी जी का। खाओ अखिलेश, तुम खाना शुरू करो, जब तुम ये तरबूज खाना शुरू करोगे तो ये सब लोग भी खाना शुरू कर देंगे, फिर ये जो तरबूज का जूस पीना चाह रहे हैं सब भूल जाएंगे। अरे भाई कम से कम ये तो समझो, तरबूज का जब जूस बनाया जाएगा उसके लिए कई चीजों की जरूरत पड़ेगी, फिर मुझे बर्फ भी लाना पड़ेगा। आप ऐसी तरबूज खा लो, मैं कह देता हूँ। लालू जी, केजरीवाल तुम कैसे बैठी हो, खाओ। क्या करे राहुल, फिर खाना शुरू करें ऐसी तरबूज को, फिर ये तरबूज का लाल भाग तुम निकालना बंद करो, ऐसी तरबूज खा लेते हैं फिर। मोदी जी कह तो रहे हैं कि ये तरबूज के जूस की पार्टी किसी दिन और दे देंगे, आज ऐसी कटा हुआ तरबूज खा लो। चलो भाई मोदी जी, खाना तो शुरू करते हैं ये तरबूज, लेकिन एक बात समझ लेना, कुछ दिन बाद आपसे तरबूज के जूस की भी पार्टी चाहिए हमें। केजरीवाल, मैं तो तुम्हें पार्टी देता रहता हूँ, दावत पे भी बुलाता रहता हूँ, तुम सब लोग कभी मुझे दावत पर बुलाते हो? मैं सोच रहा हूँ गर्मी का मौसम आ रहा है, तुम सब लोगों को फलों की दावत पर बुलाता रहूं, पार्टी करता रहूं फलों की। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश, ये बताओ स्नान करने में कितना वक्त लगाओगे? देखो अपने इस गांव में ना कोई नदी है, ना नाला है, ना तालाब है, इस गांव में इकलौता एक ही हैंड पंप है जो मैंने लगवाया है। इस हैंड पंप पे लोग स्नान करने के लिए रोज आते हैं। मैं एक आदमी से स्नान करवाने के यानी के नहाने के 5 रुपए लेता हूँ। लेकिन अखिलेश, तुम्हें बहुत देर हो गई स्नान करते हुए, अब उठो, जाओ लाइन लगी पड़ी है स्नान करने वालों की।
अरे मोदी जी, आपके हैंडपंप में से जो ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है उससे नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर और नहा लेने दो, बड़ा मजा आ रहा है नहाते हुए। मोदी जी, आप अपने हैंडपंप पे नहलाने के 5 रुपए ज्यादा लेते हो, 2 रुपए लिया करो। अरे अखिलेश, कितनी देर में नहाओगे, जल्दी नहाओ, हमारा भी नंबर लगा हुआ है नहाने के लिए, तुम जल्दी नहाओ तो हमारा नंबर आए। मोदी जी, अब अखिलेश को इस हैंडपंप के पास से हटाओ, बहुत देर हो गई इसे नहाते हुए, अब मुझे नहा लेने दो। अरे अमित शाह जी, आप ऐसे कैसे पहले नहा लोगे, पहले तो मेरा नंबर है नहाने का, मेरे बाद आपका नंबर है, फिर केजरीवाल जी का नंबर है, फिर योगी जी का नंबर है, और फिर लालू जी का नंबर है। इसी तरीके से लाइन से एक एक करके सब लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे। राहुल, तुमने गिनती गलत दिशा से लगा ली, इस दिशा से गिनती लगाओ जिधर से मैं खड़ा हूँ। पहले मेरा नंबर है नहाने का, उसके बाद योगी जी का, फिर केजरीवाल जी का, फिर अमित शाह जी का, तुम्हारा नंबर राहुल सबसे बाद में आएगा नहाने का। भाई लालू जी, किसी का नंबर तो कितनी से आए, लेकिन मेरा नंबर तो बीच में है। अगर राहुल पहले नहाएगा तो भी मेरा तीसरा नंबर है, और लालू जी अगर आप पहले नहाओगे आपकी तरफ से तो भी मेरा तीसरा नंबर है। लेकिन मोदी जी, आप स्नान कराने के 5 रुपए ज्यादा लेते हो, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा था, कुछ पैसे कम कर दो। तो केजरीवाल जी, रोज रोज क्यों नहाते हो, हर तीसरे दिन नहाया करो, 5 रुपए कम लगेंगे। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, जब हम आपके हैंडपंप के पास नहाते होते हैं आप पास में ही क्यों खड़े रहते हो, दूर खड़े क्यों नहीं होते? योगी जी, मैं अपने हैंडपंप के पास इसलिए खड़ा रहता हूँ जिससे कि आदमी ज्यादा देर तक ना नहाता रहे, जल्दी हट जाए। अब ये देखो अखिलेश कितनी देर से नहा रहा है, इसके 5 मिनट पूरे हो गए, हटने का नाम नहीं है, हटो अखिलेश। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।